हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक वक्त ये बात सभी बदलते हैं, तो ये बात तो सही है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ अपने थॉट पेश करता हूँ। तो जैसे कहता हूँ कि वक्त के हिसाब से अपने भी अपनी औकात या पहचान बता देते हैं, तो ये बात सही है। ये बात आप अपने ऊपर बिल्कुल आसानी से मैच कर देते हो, लेकिन इस बात को आप जिस इंसान को चाहते हो और फिर छोड़कर चला जाते हैं, तो उस पर भी मैच करो ना। और फिर खुद से पूछो कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में या मेरे लाइफ में ज़्यादा दिन तक मेरे साथ कौन रहा, फिर चुने डिसीजन। हाँ, जानता हूँ कि पर्सनल लव लाइफ में लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हमारी खुशियों को नहीं चाहते, और उस पर्सनली लव लाइफ में हम जो है किसी बाहरी इंसान को जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसको बढ़ावा देते हैं, और हम समझते हैं कि वही हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जबकि यहीं पे गलती हो जाती है हमसे। क्योंकि जब आप किसी बाहरी इंसान पर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हो, उसी वक्त आप एक कदम अपनों को भूलने के लिए रेडी हो जाते हो। तो बात सही है कि वक्त के हिसाब से सब बदलते हैं, और अपने भी बताते हैं कि हम कहाँ तक चलेंगे, लेकिन उनके भी कुछ रीजन्स हैं। जैसे मान लो कि आप किसी अपने चाहने वाले से मैरिज कर लेते हो, और फिर मैरिज के बाद आप उस इंसान के इतना नज़दीक अटैच्ड हो जाते हो कि अपनों को वक्त ही नहीं दे पाते, अपनों को एहसास ही नहीं दिला पाते कि आप भी उनके अपने हैं, या आप अपनेपन का एहसास अपनों को नहीं दिला पाते। इसलिए तो कहना यहाँ पर ये है कि शादी के बाद किसी खास एक इंसान के इतना नज़दीक नहीं अटैच्ड होना चाहिए कि फिर आपके अपने ही ये बात कहने पर मजबूर हो जाएं कि अब हमारा वो लड़का या बच्चा या भाई या जो भी वो हमारा नहीं रहा। शादी के बाद वो उसके या उनके इतना नज़दीक हो गए हैं या चाहने लगे हैं, या इतना मतलब नज़दीक हो गए कि अब वो हमें नज़रअंदाज करने लगे हैं और हमारी बातें भी नहीं मानते, तो सही है। लेकिन फिर भी, क्योंकि ज़्यादा परसेंट आज के टाइम यही है, देखने को काफ़ी मिला है कि लोग शादी के बाद अपनों को तो ऐसे भूल जाते हैं, लगता है कि वो तुम्हारे कोई थे ही नहीं। और यहाँ तक कि कुछ लड़कों को या वाइफ हस्बैंड को ऐसे देखा है कि खुद के माँ बाप को आश्रम में छोड़ने की बात करते हैं और छोड़ भी आते हैं, या छोड़ने या घर से निकल जाने की धमकी या मजबूर करते हैं। तो यही समझदारी की बात है ना। और आप शादी के बाद इतना किसी एक इंसान के अटैच हो जाते हो कि उस बीच में आप ये याद नहीं रखते हो कि हमारे दो माँ बाप मेल करके हम 4 से 6 बच्चे, या मान लो जितने भी हैं, या मान लो मिनिमम 4 बच्चे हैं पुराने टाइम के हिसाब से, दो माँ बाप मिलकर के 4 बच्चों का पालन पोषण बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और फिर 4 बच्चे मिलकर के दो माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाते। तो एक छोटा सा गाइडलाइन है, सबसे कहता हूँ, और खुद की लाइफ में सबको जो है रूल को लागू करना चाहिए, समझना चाहिए, मैं भी करता हूँ, कि जितने साल तक, छोटे से लेकर के जितने साल तक आपके मदर फादर ने आपकी शादी कराने तक जितना टाइम आपको संभाल के रखा या पढ़ाया लिखाया, मतलब जितने साल उन्होंने आपको सुख से रखा है, उतने ही 10 हों या 20 हों, मतलब कितने भी साल हों, 10 हों, 12 हों या 15 हों या 20 साल हों,
जितने भी साल उन्होंने आपको संभाल के रखा, पाला पोसा या पढ़ाई करवाई और आपको आराम से रखा, तो आप भी अगर अपने पिता या माता के ऐसे ही बेटे हो ना, तो उनको उतने साल तो कम से कम सेवा कर ही सकती हो ना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर दो भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, और अगर दोनों दस दस साल भी उनकी सेवा करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से उनको आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो, जैसे मान लो आपके पास दो ब्रदर हो आप, दोनों दस दस साल भी करते हो ना उनकी सेवा, तब भी वो आपको कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, और ना ही ये कहेंगे कि हमारे बच्चे गलत हैं, वो खुश रहने की ही दुआएं देंगे। तो इसलिए अपनों की कदर करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में रियलिटी मैंने यही देखा है कि दुनिया, धर्म, लोगों की बातें क्या कहती हैं भगवान के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, आज तक भगवान को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन माता पिता के रूप में भगवान को जरूर देखा मैंने। क्योंकि किसी भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरे अपनों ने, मेरे माँ बाप ने ही मेरे लिए किया और इतना बड़ा किया या जिस भी काबिल बनाया। चार पैर पर सही सलामत खड़े हैं यही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को जन्म से पहले मारने का और जन्म के बाद छोड़ने का जमाना है, या बेचने का भी जमाना है। तो अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने चाहने वालों का कद्र करो, लेकिन किसी की चाहत में इतना न डूबो कि अपने परिवार या माता पिता को तकलीफ होने लगे। तो समझदारी से लाइफ जिए। और लाइफ में एक बात और याद रखिए, मोहब्बत चाहे जिससे जितनी गहरी हो, थोड़ी सी दूरियां बनाकर रखो, क्योंकि दूर से ही रिश्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नज़दीक आने पर झगड़े होते हैं, शक होता है और रिश्ते में कड़वाहट आती है। तो जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना दूर रहकर, उससे आप एक बार शादी करके देख लो, पछता जाओगे। और नहीं है विश्वास तो ट्राई कर लो, वो इसलिए क्योंकि जो रिश्ता जितना नज़दीक खास है, वो रिश्ता उतना ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला बन जाता है। तो इसीलिए सिंपल सा कहना यही है कि वक्त चाहे जैसा हो, अपनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए कि मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, वरना हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल MS वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।